सो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति शर्मा व्लॉग्स। तो आज का दिन जो शुरू हुआ है, अभी से ही शुरू हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुई है मुझे उठे हुए। मैं अभी उठी हूँ, मतलब आधा घंटा पहले, और मेरी तबीयत आज कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, तो इसलिए शायद एनर्जी थोड़ी कम रह सकती है। तो अब बन रहा है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है, नॉर्मल पराठे, ये रहे पराठे और अचार, और मखीन सेक रही हूँ और चाय बन रही है। तो ब्रेकफास्ट आपको दिखा देती हूँ क्विकली। आ रही है छवि, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है, कुछ बोलना चाहोगी? हाँ, फटाफट से तेल गरम होके बना लो अपने मखीन। तो गाइज ये चल रहा है, पूरा ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद आपसे मिलती हूँ। ब्रेकफास्ट जमीन पर, टेबल पर बोलते हैं, टेबल तो है नहीं मेरे पास, तो ब्रेकफास्ट जमीन पर। वैसे भी जमीन पर बैठ के ही खाना चाहिए। प्लेट कुछ इस तरह लग रही है, चाय बन चुकी है, चाय छनने वाली है। मिलते हैं खाने के बाद। मैं खाने के बाद से पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में एक और चीज़ ऐड हो गई है, वो है बिग बॉस। बिना बिग बॉस के तो मैं देख ही नहीं सकती, आई मीन खा ही नहीं सकती। मुझे बिग बॉस इतना पसंद है, पर इस बार जो भी कंटेस्टेंट आए हैं, मैं उनमें से ज़्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ। मतलब जो गुम है वाले कपल हैं उनको मैं जानती हूँ, बिकॉज आई हैव वर्क विद देम एंड आई वर्क ओके गुम मैंने किया है। और कौन से थे, अंकिता एंड उनके हस्बैंड को मैं जानती हूँ, और एक और लड़की है जो प्रियंका के साथ शो में थी उड़ारिया में, वो उसको मैं जानती हूँ। बाकी ज़्यादा लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, एक दो और होंगे जिनको मैं पहचान सकती हूँ, बट मैं जानती नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, क्या पता इंटरेस्टिंग हो जाए। बट लास्ट सीजन जो था वो मेरा फेवरेट था, वन ऑफ फेवरेट, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। आपको भी बिग बॉस, आप भी पहले से शुरू से फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताना, इससे मुझे आइडिया होगा, तो मैं आपसे कन्वर्सेशन भी कर सकती हूँ और हम इसमें Q&A भी खेल सकते हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ खाने के बाद। मेरा खाना आ चुका है, एक मिनट, कैमरा थोड़ा ब्लर है, ये तो और ज़्यादा ब्लर हो गया। गुड, तो खाना आ चुका है, देखिए खाना कितना खूबसूरत है, दिखाती हूँ। सी ये है कुट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की सब्जी एंड रायता, चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो अब खाना करते हैं। पूड़ी बहुत क्रंची लग रही है, क्रिस्पी लग रही है, बहुत टेस्टी लग रही है। पहले बनाया था, जस्ट टेस्ट बस, ये इतना यम्मी है ना यार, यार सच में बहुत टेस्टी बना है। तो मैं खाने के बाद मिलती हूँ, बहुत ज्यादा टेस्टी खाना है गाइस। वर्कआउट करने, और आप जैसे कि देख सकते हैं आज हमारे साथ महा चोमू है इंसान, वो उनका मित्र है, और यही नाम बताया है अपने दोस्त का कि चोमू है। और अगर मैं आपको अभी फ्लिप कैमरा करके दिखाऊंगी तो सामने उनका बर्थडे, उन्हें विश कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पार्टी लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, और मेंबरशिप के लिए प्रमोशन का अलग से पैसा चार्ज करूँगी, तब बताऊँगी कौन सा जिम है। ये है वो शख्स जिनका जन्म दिवस है, और इस जिम में पार्टी, उससे पहले अगर आपको मेंबरशिप चाहिए, ओहो शिट, पीछे का मैं ब्लर कर दूंगी तो आपको दिखेगा नहीं कौन सा जिम है, जब तक प्रमोशन का पैसा नहीं मिल जाता। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट करते टाइम। गंदा वर्कआउट करता है लड़का बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, डॉक्टर ने रिस्क लेने से मना किया अभी। ठीक है प्रकाश, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे खुद भी नहीं करना। थैंक यू, ये हमारे ट्रेनर कम बावर्ची ज्यादा है, ये हमें कॉफी पिलाते हैं। बी वो ने क्या है, बी कॉम्प्लेक्स। गाइस ये बेचारा हिम्मत नहीं कर पा रहा है, इसको पोपट पे पोपट हुआ जा रहा है, शिट मेरे सर पे लग गया। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बात के लिए? अपने फ्रेंड कर रहे भाई, ये हम नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ, ये तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा है गाइस, बिल्कुल भी।
थोड़ी सी हिम्मत दिखा, हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी यार दोस्त की। जाना गाइस, ये बहुत फट्टू है। ठीक है गाइस, मैं मिलूंगी, एक बार लास्ट ट्राई करते जाऊँ।